हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एन टाइम्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए किस प्रकार से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम इसको एन टाइम्स डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएं और डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाए। ये एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है हमारा, किस प्रकार हम टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का हम डिफरेंशिएट निकालेंगे एन टाइम्स। देखिए, पहले हम इसको मान लेंगे, लेट मैंने मान लिया लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब मैं क्या करूंगा, पहले टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का वन टाइम्स डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर उसके बाद जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा मैं उसको फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर दूंगा, तब हम इसका एन टाइम्स डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो पहले मैं निकालने जा रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो मुझे यहां से मिल जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा वाई वन। देखिए, y1 हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हैं वो हमें याद रखने होंगे, हमें समझना होगा। देखिए, हमारा पहला सिंबल क्या है, y1 का मीनिंग है dy अपॉन dx, y2 का मीनिंग है d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली yn का मीनिंग हो जाएगा dny ओवर dxn। देखिए, मैं इसका वन टाइम्स फर्स्ट डिफरेंशिएट करना जा रहा हूँ, एक बार इसका अवकलन करने जा रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा d ओवर dx ऑफ टेन इनवर्स x अपॉन a। तो y1 बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन a का हमारा डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन a का होल स्क्वेयर इन टू x अपॉन a का कितना हो जाएगा, x का वन हो जाएगा और वन अपॉन a का मल्टीप्लाई मीन्स वन अपॉन ए, और यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा, यहां पर ये हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एलसीएम लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा वाई वन बराबर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए। ए से मेरा ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा वाई वन बराबर ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, अभी हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है वो इसका हम डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, इसका हम एन टाइम्स या फिर एन माइनस वन टाइम्स या टू टाइम्स हम डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। अभी हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हम इसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन हम देखिए दो मेथड है, एक तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए, आप इसमें लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। एक हम ट्रायल और एरर मेथड का हम यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे, पहले मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इसको ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि देखिए हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम इसके गुणनखंड नहीं निकाल सकते, तो हम निकालेंगे इसके गुणनखंड कॉम्प्लेक्स नंबर की सहायता से, विद हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम ग्यारहवीं और ग्यारहवीं में हमने पढ़ा था सम्मिश्र संख्याएं। तो मैं इसको लिखने वाला हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, देखिए x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए, मुझे क्या मिलेगा ये, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर है मेरा a माइनस बी और यहाँ पर है मेरा a प्लस बी, तो मुझे ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर और ये मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसका मीनिंग हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा माइनस वन, तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, मैंने इसके गुणनखंड निकाल लिए किसके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, मैंने गुणनखंड निकाल लिया और वो मेरे क्या आ गए एक्स माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। देखिए, हमें यहाँ पर बी एस सी में पढ़ रहे हैं वो सिंपल वाले गुणनखंड नहीं मिलने वाले आपको, क्या आपको सिंपल मिल जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको समझना होगा। इसको मैं लिखूंगा वाई वन बराबर ए अपॉन एक्स माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। देखिए नेक्स्ट क्या है,
मैं जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो मैं यूज करूंगा ट्रायल और एरर मेथड का। जो भी मेरी मिस्टेक आएगी मैं उसे रिमूव कर दूंगा। पहले मैं आपको समझा रहा हूं ट्रायल और एरर मेथड से किस प्रकार हम निकालेंगे। मुझे इसका इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं गलत लिखने वाला हूं। गलत लिखने वाला हूं क्यों, देखिए समझाने के लिए क्यों। देखिए यहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो मैंने मान लीजिए लिख लिया इसको, मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए माइनस, प्लस लिया मान लीजिए मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस आई ए, इसको मैं अभी रफ कर दूंगा। देखिए गलत मैं क्यों करने जा रहा हूँ, समझिए थोड़ा सा इसको आप। तो मैं इसके जब एलसीएम लूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर, तो ये मिल जाएगा एक्स माइनस आई ए प्लस एक्स प्लस आई ए, तो मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल गया 2x अपॉन x प्लस आइए इंटू एक्स माइनस आइए, लेकिन हमको चाहिए a। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा गलत है। अगर देखिए हमें x, हमें ऊपर x लाना है या फिर a लाना है, ये डिपेंड करेगा देखो इस साइन पर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का। इस बार क्या होगा कि हमारा जो है x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन आइए जो आएगा मेरा वो आएगा माइनस के आएंगे दोनों आइए, मतलब ये हो जाएगा माइनस टू आइए अपॉन एक्स प्लस आइए इंटू एक्स माइनस आइए, हमें माइनस साइन मिलनी चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूँगा इसको, मैं इसको इस प्रकार लिखूँगा, देखिए इस बार थोड़ा समझिएगा आप, मैं इसको क्या लिखूँगा। अब मैं देखिए मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, 1 अपॉन एक्स माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इधर मैंने माइनस लिखा इधर मैंने प्लस लिखा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इधर से उधर, एक मिनट में ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। देखिए अब मैं अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल आप पार्शियल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं किस प्रकार निकालूंगा, यहाँ पर मैं इस प्रकार निकालूंगा x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए, तो इससे मेरा ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा x प्लस आई ए माइनस, इससे मेरा ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आएगा मेरा x माइनस आई ए, तो मुझे ये मिल जाएगा। देखिए मुझे क्या मिलेगा, x प्लस आई ए माइनस एक्स प्लस आई ए अपॉन एक्स माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए, तो इस बार मेरा x कैंसिल हो गया, समझिए थोड़ा सा। इसको मैं यहाँ लिख दूंगा क्योंकि ये मेरा इधर साइड में चल रहा है, लेफ्ट साइड में चल रहा है, तो 1 अपॉन x माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन x प्लस आई ए इज इक्वल टू 2 आई ए अपॉन x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। देखिए मुझे चाहिए इसका वैल्यू, तो मैं 2i को अपॉन में नहीं ले आऊँगा, तो मुझे इसका वैल्यू नहीं मिल जाएगा, ये नहीं मिल जाएगा मुझे, तो मैं इसके इस प्रकार पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकता, इसके मैं आंशिक भिन्न से इस प्रकार इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2i और यहाँ मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। इस प्रकार मैं इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ। मैंने इसका ही तो मुझे वैल्यू फाइंड करना था और वो ये रहा मेरा, तो वाई वन कितना आ गया मेरा, वाई वन आ गया मेरा 1 अपॉन 2i और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए। मैं ज़रा एक बार देख लेता हूँ वीडियो में ये पूरा बोर्ड आ रहा है या नहीं, ठीक है कंप्लीट आ रहा है। देखिए अब हमको क्या करना होगा, हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, नेक्स्ट अब मैं इसको फॉर्मूले की शेप देने वाला हूँ। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव के निकालने के बाद मैंने इसको सम्मिश्र संख्या का यूज करके मैंने इसको फैक्टराइज किया और फिर मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया आंशिक भिन्न और पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, वाई वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2i और यहाँ मुझे मिलेगा x माइनस आई ए टू द पावर माइनस वन, x माइनस आई ए ऊपर ले जाएंगे तो पावर हमारा माइनस वन हो जाएगा
और यहाँ मेरा हो जाएगा x प्लस आई ए की घात हो जाएगी माइनस वन। देखिए अब मैंने ये फॉर्मूले के शेप में बना लिया क्योंकि मैं जानता हूँ अब मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा और मैं जानता हूँ कि मेरा n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ किसका n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है मेरा माइनस वन टू द पावर n n फैक्टोरियल इंटू ए टू द पावर n ए एक्स प्लस बी सॉरी हम माइनस वन आता है टू द पावर माइनस n माइनस वन ये मेरा आता है। अब देखिए लेकिन हमको n टाइम्स डेरिवेटिव थोड़ी ना फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर फाइंड करना है देखिए वन टाइम्स डेरिवेटिव तो मैं निकाल चुका हूँ, मुझे इसका n माइनस वन बार और करना है डेरिवेटिव। तभी तो देखिए हमको मतलब पांच बार निकालना है, एक बार मैंने कर दिया तो चार बार और करूँगा ना, तो मैंने यहाँ पर एक बार कर दिया, मुझे करना है n टाइम्स मुझे करना है तो मैं n माइनस वन टाइम्स और करूँगा इसका डेरिवेटिव। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, पहले हम फॉर्मूले को भी n माइनस वन टाइम्स के लिए चेंज कर लेंगे। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दूंगा हटा दूंगा स्थानांतरित कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस वन टू द पावर n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस वन और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। यहाँ थोड़ा सा समझेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा, n की जगह मैं रखूंगा n माइनस वन तो मेरा माइनस का n प्लस का वन हो जाएगा, माइनस का n प्लस का वन हो जाएगा तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए ये माइनस का तो हो जाएगा n और प्लस का हो जाएगा वन और प्लस वाला वन मेरा माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी मेरी बताइए जरा, ये हो जाएगी मेरी माइनस n, ये हो जाएगा माइनस n हो जाएगा मेरा पावर। देखिए ये मेरा माइनस n हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहां पर मैं इसको अप्लाई करूंगा। अब देखिए मेरा y1 कितना है, मेरा y1 है 1 अपॉन 2i x माइनस आई ए टू द पावर माइनस वन माइनस x प्लस आई ए टू द पावर माइनस वन। अब मैं यहां करूंगा n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n माइनस वन टाइम्स तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां मैं करूंगा n माइनस वन टाइम्स y1 का तो ये ऐड हो जाएगा यहां पर तो ये yn हो जाएगा, यहां मुझे मिलेगा 1 अपॉन 2i n माइनस वन टाइम्स ऑफ x माइनस आई ए टू द पावर माइनस वन माइनस n माइनस वन टाइम्स ऑफ x प्लस आई ए टू द पावर माइनस वन। अब देखिए इसका मैं डेरिवेटिव किस प्रकार निकालूंगा, n माइनस वन टाइम्स मुझे डेरिवेटिव यहाँ निकालना है और फॉर्मूला को मैंने ऊपर बना दिया। देखिए ये रहा फॉर्मूला, हमेशा जब भी फॉर्मूला बनाए उसको हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे तो वो आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए इसका हम n टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, ये मुझे मिल जाएगा वाई एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू आई और यहाँ मुझे मिलेगा इस फॉर्मूले से। देखिए एक चीज़ और आप याद रखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो यहाँ पर x का कोफिशियंट है वो है हमारा a, तो यहाँ पर आ गया ए टू द पावर n माइनस वन लेकिन यहाँ पर मेरा x का कोफिशियंट है वन तो वन की घात तो भाई साहब कितनी भी कर लो वन ही आएगा तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ माइनस वन टू द पावर n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ मुझे मिलेगा x माइनस आई ए टू द पावर माइनस n माइनस माइनस वन टू द पावर n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल और ये हो जाएगा x प्लस आई ए टू द पावर माइनस n। यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस वन टू द पावर n माइनस वन माइनस एक की घात n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टोरियल मेरा कॉमन आ जाएगा तो मेरा वाई एन हो जाएगा वन अपॉन टू आई और माइनस वन की घात एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया और ये मुझे मिल गया एक्स माइनस आई ए की घात माइनस एन और माइनस एक्स प्लस आई ए की घात माइनस एन। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक हमारी थ्योरम है डिवाइवर थ्योरम वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइवर थ्योरम देखिए क्या है हमारी, देखिएगा
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये होता है हमारा डिवाइन थ्योरम, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है मेरा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। मतलब जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए वीडियो में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की घात एन बराबर हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। मतलब जो हमारी पावर है वो कॉस और साइन के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसका हम कहाँ यूज करेंगे, ये मैंने लिख दिया, आप बोलेंगे अभी इसका यूज तो किया नहीं है, अभी इसका यूज करेंगे। अभी देखिए अब हम यहाँ पुट करेंगे, पुट लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए आपको एग्जाम में मिल सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए हमें समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, ये सब चीज़ें आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए अब हम पुट करेंगे x बराबर r cos थीटा कॉमा a बराबर r sin थीटा, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा x बराबर r cos थीटा कॉमा a बराबर r sin थीटा हम पुट करेंगे तो yn मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन 2i माइनस 1 की घात n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा r cos थीटा माइनस a की जगह पुट कर रहा हूँ r sin थीटा, तो ये हो जाएगा i r sin थीटा टू द पावर माइनस n, और ये माइनस आएगा मेरा, ये मुझे मिलेगा यहाँ पर पुट करूँगा मैं x को r cos थीटा प्लस i r sin थीटा टू द पावर माइनस n, और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। देखिए यहाँ से हमारा r की घात, जब हम यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ऊपर माइनस n पावर है, n घात है, तो यहाँ से मुझे कॉमन आ जाएगा r की घात माइनस n। सेम मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरा कॉमन आ जाएगा r की घात माइनस n, तो मुझे yn मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन 2i माइनस 1 की घात n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल r की घात माइनस n, यहाँ से r की घात माइनस n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो मुझे ये मिल जाएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा की घात माइनस n, और माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा की घात माइनस n। और अब मैं यहाँ लगा दूंगा डिमाइवर थ्योरम, जैसे ही मैं डिमाइवर थ्योरम लगाता हूँ मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, देखता हूँ जरा वीडियो में ये आ रहा है नहीं आ रहा, यस आ रहा है, तो वाई एन मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 2i माइनस 1 की घात n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल r की घात माइनस n, ये माइनस n एंगल में जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ इसको, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए माइनस n जाएगा cos माइनस n थीटा, और cos माइनस थीटा क्या होता है हमारा प्लस का थीटा, कोस माइनस थीटा हमारा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये पावर अंदर जाएगा एंगल में तो ये हो जाएगा कॉस माइनस एन थीटा, और कॉस माइनस थीटा मेरा प्लस का हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस, लेकिन लेकिन साइन में क्या हुआ, ये जाएगा साइन माइनस एन थीटा, और साइन माइनस थीटा से माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का आई साइन एन थीटा, ठीक है। अब देखिए सेम हम इसको लिखेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा कॉस एन थीटा, क्योंकि कॉस माइनस का थीटा प्लस का होता है, लेकिन साइन वाला जो होता है वो उसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा साइन एन थीटा, और ये लाइन हमारा इसको डिवाइड कर रहा है। देखिए अब हमारा थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, मैं इधर साइड से रफ करने जा रहा हूँ, देखिए तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बोर्ड पर नहीं आ पाता है, आज ही हमने इस बोर्ड को फिक्स कराया है, देखना पड़ता है अभी बार बार। देखिए तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, इधर मैं लिखने वाला हूँ, थोड़ा सा इधर देख लीजिए पहले आप, तो वाई एन कितना है मेरा, वाई एन है मेरा 1 अपॉन 2i माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आएगा मेरा r टू द पावर माइनस n, भी हमारा कॉमन है r टू द पावर माइनस n, और ब्रैकेट में आएगा
कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो जी सा लग रहा है आपको, ये हमारा कॉस है। क्या ये कॉस, ये जो आपको जी सा जो दिख रहा होगा ये हमारा कॉस है, और ये आएगा मेरा साइन चेंज हो जाएंगे माइनस कॉस एन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का आई साइन एन थीटा। इससे मेरा सॉरी इससे ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से वाई एन बराबर वन पॉइंट टू आई माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल आर टू द पावर माइनस एन, और ये टू आई साइन एन थीटा। टू आई से ये टू आई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, आर आर कितना है हमारा, देखिए आपने अभी पुट किया था ये ए बराबर आर साइन थीटा और एक्स बराबर आर कॉस थीटा, इनका भी हम इनको भी हमें लास्ट में शो करना पड़ेगा। यहाँ से मैं आर का वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो ये आ जाएगा ए अपॉन साइन थीटा, आर का वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये आएगा ए अपॉन साइन थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा a अपॉन साइन थीटा टू द पावर माइनस एन और साइन एन थीटा। देखिए अब मुझे ये क्या मिल जाएगा, वाई एन बराबर माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस एन, और अपॉन में आएगा साइन की घात माइनस एन थीटा, उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो फिर से प्लस का हो जाएगा, एक की घात माइनस एन और अपॉन में आएगा साइन की घात माइनस एन थीटा, तो मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर एन थीटा और साइन एन थीटा। यही हमारा है फाइनल आंसर, यही आपका लास्ट रिजल्ट है, इस प्रकार आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपका थीटा क्या है। देखिए एक्स बराबर था आर कॉस थीटा, एक्स बराबर है हमारा आर कॉस थीटा कोमा ए बराबर है हमारा आर साइन थीटा, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे हमारा थीटा क्या है, तो डिवाइड कर दूंगा मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, ध्यान से देखिए आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इसमें इसका डिवाइड कर रहा हूँ तो ए अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल हो गया तो ये हो गया टेन थीटा बराबर ए अपॉन एक्स, therefore थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ए अपॉन एक्स, ये आपको लिखना होगा वेयर थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स। अब जरा थोड़ा समझ लीजिए, देखिए समझना क्या है आपको कि हमारा थीटा आ गया टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना थोड़े थोड़े से चेंज होके आते हैं, थोड़े थोड़े से चेंज होके आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए अब निकालता हूँ फाइन एन टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशियंट और nth डिफरेंशियल कोफिशियंट, nth डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा tan इनवर्स x। देखिए जब हमारा tan इनवर्स x आएगा तो हमारा जो a का वैल्यू है वो हो जाएगा वन, जब हमारा ए का वैल्यू वन हो जाएगा तो हम आपका यहाँ पर आएगा x माइनस आइए और x प्लस आइए, समझ लीजिए ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, इस पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो वो सब हमारे इसी से हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8006236140, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे बोल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए गारंटी की इच्छा मत रखना, इस दौर में गारंटी की इच्छा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या हमारा टेन इनवर्स एक्स का हम किस प्रकार से निकालेंगे डेरिवेटिव, हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो ए है एक्स अपॉन ए, हमने एक्स अपॉन ए का निकाला था डेरिवेटिव, तो हमारा जो ए है वो वन हो गया, ए हमारा वन हो गया तो हमें यहाँ मिलेगा ए वन हो जाएगा तो एक्स माइनस आई और एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस आई और एक्स प्लस आई, ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो है एक्स को तो पुट करेंगे आर कोस थीटा और वन को पुट करेंगे आर साइन थीटा। इस क्वेश्चन को देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमें और भी इस पर क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
जैसे हमने देखा था, अभी एक मिनट बताते हैं, देखिए ये वाले क्वेश्चन भी हमारे इसी पर बेस्ड हैं। देखिए tan इनवर्स x अपॉन a, इसको हम ब्रेक कर देंगे किस फॉर्मूले से, tan इनवर्स इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। कैसे लिखेंगे इसको, इस प्रकार हमने कैसे लिख दिया, जब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स सॉरी प्लस आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले से हम ब्रेक करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और सेम हमारा ये फॉर्मूला होता है किसका, टू टेन इनवर्स x का। इन क्वेश्चनों को भी हम इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को कर सॉल्व कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, तो मैंने तीन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ लिखा है। देखिए पहला है tan इनवर्स x, और दूसरा है tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, और तीसरा क्वेश्चन है मेरा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए तीनों ही क्वेश्चन जो है हमारे सेम है, जो लास्ट क्वेश्चन जो कराया वो भी मेरा सेम है, लेकिन इसको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि हम दो बार जब हम किसी चीज़ को देख लेंगे तो थोड़ा सा मेमोरी में थोड़ा फिक्स हो जाएगा। और साथ साथ एक चीज़ और याद रखें, जब तक आप इन क्वेश्चनों को अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन क्वेश्चनों को भूलना थोड़ा सा भूलना आसान हो जाएगा, मतलब जल्दी भूल जाएंगे आप इन क्वेश्चनों को। तो देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको गिवन है tan इनवर्स x की फॉर्म में, इसको मैं लिखूंगा डायरेक्ट, समझ जाइएगा ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, इसको मैं लिखता हूँ tan इनवर्स 1 इसको, और ये हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का। अब देखिए तीनों के जो हम n टाइम्स डेरिवेटिव निकालेंगे उनमें क्या सिमिलरिटी होगी और क्या डिफरेंस होगा। देखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x और tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 का मीनिंग हो जाएगा पाई बाई 4, तो इसका 1 टाइम्स डेरिवेटिव हम जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमको निकालना tan इनवर्स x का डेरिवेटिव n टाइम्स, और उसमें इसमें केवल 2 आएगा, इसमें भी 2 नहीं आएगा और इसमें 2 नहीं आएगा, मतलब इसका जो n टाइम्स डेरिवेटिव आएगा वो इन दोनों का डबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 tan इनवर्स x आ रहा है, यहाँ पर tan इनवर्स x और केवल यहाँ पर भी tan इनवर्स x ही आ रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, केवल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे n टाइम्स, और यहाँ पर हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स x का निकालने जा रहा हूँ बस मैं केवल, और इसको मैं डायरेक्ट निकालूंगा, थोड़ा समझ जाइएगा, आपको समझना होगा थोड़ा सा यहाँ पर। तो मैं मान लूंगा लेट, अब मैं केवल tan इनवर्स x का निकालूंगा, लेट y बराबर tan इनवर्स x, तो मेरा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 हो जाएगा मेरा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का हो गया 1, इसको मैं लिखूँगा y1 बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और y1 हो जाएगा मेरा 1 अपॉन x प्लस i इंटू एक्स माइनस i, और इसके मैं पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कर दूंगा, तो इसके मेरे पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे, देखिए करके दिखा रहे हैं, पहले हम आपको 1 अपॉन एक्स माइनस आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस आई, और माइनस आएगा x माइनस आई, तो ये हो जाएगा x प्लस आई माइनस x प्लस आई अपॉन x माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई। तो हमें कितना मिल गया, हमें यहाँ पर मिल गया 1 अपॉन x माइनस आई माइनस 1 अपॉन x प्लस आई इज इक्वल टू 2i अपॉन x माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई। 2 को मैं इधर भेज दूंगा, मुझे इसी का तो वैल्यू चाहिए, सॉरी 2i को ले जाएंगे, कंप्लीट 2i को ले जाएंगे, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन 2i, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस आई माइनस 1 अपॉन x प्लस आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू ये पुट कर देंगे जो कि मुझे यहाँ गिवन है, तो इसका वैल्यू में पुट कर दूंगा, जब मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर तो मुझे ये y1 मिल जाएगा, y1 बराबर 1 अपॉन 2i ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई। देखिए अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा
तो मुझे ये मिल जाएगा वाई वन बराबर वन अपॉन टू ए एक्स माइनस आई टू द पावर माइनस वन और माइनस एक्स प्लस आई टू द पावर माइनस वन। देखिए पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही n टाइम्स डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा था, फिर मैंने लिखा था n माइनस वन टाइम्स का, अब मैं n माइनस वन टाइम्स का डायरेक्ट लिखूंगा, वो मैं पहले समझा चुका हूँ। तो मैं पहले फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर इधर साइड में लिख दूंगा, सिंस फॉर्मूला होता है मेरा n माइनस वन टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये होता मेरा माइनस वन टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल a टू द पावर n, n माइनस वन और ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर मुझे मिलेगा n माइनस वन और ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस n, ये मुझे मिल जाएगा। तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, मैं लिखने वाला हूँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एन माइनस वन टाइम्स, तो मुझे ये मिल जाएगा डी एन माइनस वन ऑफ वाई वन इज इक्व टू वन अपॉन टू आई है, भाई साहब बता दिया करें, वन अपॉन टू आई, तो ये मेरा हो जाएगा एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस आई टू द पावर माइनस वन माइनस डी एन माइनस वन एक्स प्लस आई टू द पावर माइनस वन, और ये मेरा क्या आएगा, ये मुझे मिल जाएगा वाई एन बराबर वन अपॉन टू आई माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एक्स माइनस आई टू द पावर माइनस एन, सेम मिलता जाएगा मुझे जैसा कि मैंने अभी लास्ट किया था, केवल मेरा यहाँ पर ए का वैल्यू वन हो गया है। तो मुझे यहाँ मिल जाएगा माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एक्स प्लस आई टू द पावर माइनस एन, यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, तो वाई एन हो जाएगा मेरा वन अपॉन टू आई माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन, एक्स माइनस आई टू द पावर माइनस एन माइनस एक्स प्लस आई टू द पावर माइनस एन। देखिए ये हो जाएगा मेरा ये तो मेरा कॉमन आ गया, तो वाई एन मुझे मिल गया वन अपॉन टू आई माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ मैं पुट कर दूंगा पुट एक्स बराबर आर कॉस थीटा कॉमा आर बराबर सॉरी वन बराबर यहाँ पर वन करेंगे, यहाँ आई के साथ वन मान लेंगे, आई के साथ यहाँ पर वन मान लेंगे यहाँ पर, तो वन बराबर आर साइन थीटा। देखिए बुक में जो है थीटा की जगह फाइव मान लीजिए, आप साई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं पुट करने वाला हूँ एक्स इक्व टू आर कॉस थीटा और वन इक्व टू आर साइन थीटा, तो वन कहाँ है मेरा, वन है मेरा आई के साथ में, तो एक्स कितना मेरा आर कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा टू द पावर वन है मेरा यहाँ पर आई आर आएगा आई आर साइन थीटा टू द पावर माइनस एन, और ये मेरा माइनस है यहाँ पर आर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है मेरा कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा टू द पावर माइनस एन, और ये हो जाएगा मेरा वाई एन बराबर, तो ये मुझे मिल जाएगा आर टू द पावर माइनस एन, मेरा कॉमन आ जाएगा यहाँ से वन अपॉन टू आई माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल आर टू द पावर माइनस एन, यहाँ से कॉमन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस एन और माइनस आर टू द पावर माइनस एन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस एन और आर टू द पावर माइनस एन में यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो मुझे ये मिल जाएगा वाई एन बराबर वन अपॉन टू आई माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल आर टू द पावर माइनस एन, और यहाँ पर लगा दूंगा डिवाइवर थ्योरम। डिवाइवर थ्योरम में हम कुछ नहीं करते, सिंपल केवल क्या करना है आपको, जो हमारा पावर है वो एंगल में चले जाएगा कॉस और साइन के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस माइनस है, तो कॉस में माइनस प्लस का होता है, साइन में माइनस माइनस का होता है, तो भार प्लस कर देगा ये आई साइन एन थीटा, और यहाँ पर मेरा माइनस है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँगा कॉस एन थीटा माइनस का हो जाएगा आई साइन एन थीटा, साइन माइनस साइन से साइन चेंज कर दूंगा
तो वाई एन हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 2 आई माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल आर टू द पावर माइनस एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इससे मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारा, लास्ट जो क्वेश्चन किया था सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। आर टू द पावर माइनस एन और ये हो जाएगा टू आई साइन एन थीटा। देखिए 2i से 2i कैंसिल हो गया और हमने r कितना पुट किया है, हमारा r है यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा। इस बार हमारा a नहीं है यहाँ पर, a नहीं है हमारे यहाँ पर 1 है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा वाई एन बराबर माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन साइन थीटा टू द पावर माइनस n साइन n थीटा और ये मेरी पावर ऊपर चला जाएगा तो वाई एन हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल साइन टू द पावर n थीटा और साइन n थीटा। इसे ध्यान से देखिए, इसे साइन की घात नीचे आएगी, साइन की घात माइनस n थीटा, फिर उसे ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का। और देखिए यहाँ पर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, एक तो हमारा आंसर ये आ गया और यहाँ लिख देंगे वेयर इसमें r साइन थीटा में मैं डिवाइड करूँगा r कॉस थीटा का और इधर आएगा मेरा 1 अपॉन एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन एक्स, तो थीटा हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स और यही हमारा आंसर है। हमें यहाँ लिखना होगा लास्ट में थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और साथ में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पर बुक में थीटा की जगह फाई लिया है, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला। ओके थैंक यू, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आप चाहें कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं तो हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा और हमारे जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।